हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट ईयर मेरिट लिस्ट एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ 2021 के ऊपर। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सारे यूजी के कोर्सेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानेंगे, साथ ही साथ हम लोग लास्ट ईयर मेरिट लिस्ट भी देखेंगे। लास्ट ईयर इन द सेंस 2019 का मेरिट लिस्ट हम लोग देखेंगे, क्योंकि 2019 में जो एडमिशन प्रोसेस था वो मेरिट के बेसिस पे ना होके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे हुआ था। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए इस वीडियो को एंड तक, ताकि आप लोगों को कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया हो सके। ठीक है, वेल गाइस, सबसे पहले बात करते हैं बीए के सेकेंड मेरिट लिस्ट के ऊपर, क्योंकि इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है ना वो अवेलेबल नहीं हो पाया है, जिसके कारण हम लोग सेकेंड मेरिट लिस्ट देखेंगे इस वीडियो में 2019 का। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर ये बीए का है और ये 2019 का है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यूआर के लिए क्या कट ऑफ है। यूआर का 48 है, ओबीसी का 39 है, एससी का 36 है और एसटी का 44 है। इसके अलावा अगर बात करें गाइस ओपन मेरिट लिस्ट का, तो यूआर के लिए 38 है, एसटी का 35 है, एससी का 33 है और ओबीसी का 33 है, ईडब्ल्यूएस का 34 है 2019 का कटअप। गाइस, इसमें आप लोग देख पा रहे हो नंबर ऑफ सीटें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गाइस 2019 में जो बीए है, बीए के जितने भी कोर्सेस हैं यहाँ ऑनर्स नहीं थे, जनरल बीए था और कॉम्बिनेशन सिस्टम में आप लोगों को पढ़ना होता था बीए। मतलब आप लोगों को मिनिमम 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही होते थे, प्लस एक कंपलसरी और प्लस एक ऑप्शनल भी पढ़ना होता था। ठीक है, एक जनरल बीए था 2019 तक। इसके बाद 2020 में भी सेम था और 2021 में इसको फिर से ऑनर्स किया गया है। ठीक है, तो आप समझ गए हो। बात करते हैं गाइस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। तो गाइस देखिए, कई फैक्टर्स हैं गाइस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं गाइस, क्योंकि हम लोग दो ईयर बैक जा रहे हैं, 2019 का मेरिट लिस्ट देख रहे हैं और उसके बेसिस पे 2021 मतलब करेंट ईयर का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो कई सारी चीज़ों को गाइस हमें एनालाइज करना होता है, क्योंकि 2019 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, जहां 100% फेयरनेस को इंश्योर किया जा सकता है। लेकिन गाइस अगर हम बात करें ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम का, तो देखिए गाइस, पहली बात तो ये एंट्रेंस एग्जाम जो है सीबीटी नहीं है। ठीक है, ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, ये आप लोग अपने घर में बैठ कर दे रहे हो। तो यहाँ जो फेयरनेस लेवल है इसको हम लोग जो है 100% नहीं मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम रख सकते हैं 80-85 तक रख सकते हैं। ठीक है, तो जो कट ऑफ है गाइस वो 2019 के मुकाबले काफ़ी हाई रह सकता है। ठीक है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें कोई भी 100% सियोरिटी नहीं है कि आपका इतना ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, इतना ही कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कितना जा सकता है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी के लिए। तो आप मान सकते हो गाइस कि 60+ रहेगा इनका कट ऑफ और एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ रह सकता है 55+। ठीक है, ओके गाइस, तो अब बात करते हैं हम लोग बीएससी के फर्स्ट मेरिट लिस्ट के ऊपर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे गाइस ये 2019 का है ये भी। ठीक है, तो चलिए गाइस देख लेते हैं यूआर के लिए क्या कट ऑफ रहा। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे यूआर का 53 है, ईडब्ल्यूएस का 37 है, ओबीसी का 48 है और एससी का 44 है, एसटी का 48 है। इसके अलावा गाइस अगर बात करते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट का, तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे यूआर के लिए 50 है। ठीक है, काफ़ी हाई था कट ऑफ, और ओबीसी के लिए 45 और एससी के लिए 41 और एसटी के लिए 46 था। ठीक है, इसके अलावा गाइस एक और मेरिट लिस्ट है, ये ओपन मेरिट लिस्ट सेकेंड। ठीक है, ये भी आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग देख पा रहे हो गाइस एसटी के लिए कट ऑफ है 43, एससी के लिए कट ऑफ है 37, ओबीसी के लिए कट ऑफ है 38 और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ है 31। ठीक है, बाकी का इसमें नहीं दिया गया है यूआर का। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना रहा होगा कट ऑफ। ठीक है, इसके अलावा गाइस 2019 में बीएससी भी ऑनर्स नहीं था। ठीक है, ये भी एक जनरल बीएससी था। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को कॉम्बिनेशन में पढ़ना होता था, इसलिए गाइस यहाँ सीटें जो है थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। बाकी अगर हम देखें तो सीट इस बार ज़्यादा है, ठीक है, ना कि लास्ट टाइम। ठीक है, बात करते हैं गाइस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पास स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले बात करते हैं गाइस यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी के लिए। तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है 60-65 के बीच में। ठीक है, क्योंकि गाइस बीएससी में कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें एससी कैटेगरी की, तो इसका कट ऑफ रह सकता है 60 तक इसका कट ऑफ रह सकता है। ठीक है,
नाउ गाइस बी फार्मा का 2019 का मेरिट लिस्ट देख लेते हैं गाइस। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये 2019 का बी फार्मा का मेरिट लिस्ट है, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे यूआर के लिए 48 है, ओबीसी के लिए है 41, एससी के लिए 39 कट ऑफ है और एसटी के लिए 46 कट ऑफ है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई फॉर्म भरे ही नहीं गए थे, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गाइस इसके सेकंड मेरिट लिस्ट के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पास देख पा रहे हो यूआर के लिए है 46, ओबीसी के लिए है 40 और एससी के लिए है 38 और एसटी कैटेगरी के लिए आप लोग देख पा रहे हो 43 है, ठीक है। तो ये था 2019 का कट ऑफ। अब जान लेते हैं गाइस कि 2021 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है बी फार्मा में, ठीक है। तो इसका भी कट ऑफ गाइस सेम एज बीएससी की तरह ही रहेगा, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 62-65 प्लस, ठीक है, और एससी कैटेगरी के लिए 60 प्लस। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस। नेक्स्ट है गाइस डी फार्मा का 2019 का मेरिट लिस्ट, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें आप लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट का यूआर के लिए कट ऑफ देख पा रहे होंगे 37 है, ओबीसी के लिए भी 37 है, एससी के लिए है 32 और एसटी के लिए है 35, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग इसका सेकंड मेरिट लिस्ट भी देख लेते हैं गाइस। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे यूआर के लिए कट ऑफ है 35, ओबीसी के लिए कट ऑफ है 32 और एसटी के लिए है 30 और एसटी कैटेगरी के लिए मात्र 33 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। इसका भी कट ऑफ गाइस यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी के लिए 60 प्लस ही रहेगा और एससी कैटेगरी के लिए 55 आप मान सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस बीबीए का मेरिट लिस्ट, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे गाइस, ठीक है। इसमें आप लोग नंबर ऑफ सीट देख पा रहे 38 है और टोटल जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज वो भी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इसमें हम लोग बात करते हैं गाइस स्टेट कट ऑफ के ऊपर, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप लोग देख पा रहे हो यूआर के लिए 55 है, ईडब्ल्यूएस के लिए है 34, ओबीसी के लिए है 49, एससी के लिए 44 और एसटी के लिए 42 कट ऑफ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। बात करते हैं गाइस सेकंड मेरिट लिस्ट के ऊपर, तो यहां पास आप लोग देख पा रहे हो यूआर के लिए है 54, ओबीसी के लिए है 47, एससी के लिए है 40 और एसटी के लिए है 41, और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो गाइस ओपन मेरिट लिस्ट जो जारी किए गए थे उसमें है 47, ठीक है। तो ये है 2019 का कट ऑफ। अब बात करते हैं आप लोगों के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। इसका भी कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है गाइस, तो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी के लिए इसका भी कट ऑफ रहेगा 55-60 के बीच में और एससी कैटेगरी का कट ऑफ रह सकता है गाइस 55 प्लस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस बीकॉम का मेरिट लिस्ट, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इसमें भी आप लोग नंबर ऑफ सीट 38 देख पा रहे होंगे और सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख पा रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं गाइस फर्स्ट मेरिट लिस्ट का यूआर का कट ऑफ, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे 64 है, EWS के लिए है 51, OBC के लिए है 56 और SC के लिए है 61 और ST के लिए है 58। वहीं अगर बात करें गाइस सेकंड मेरिट लिस्ट की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे UR के लिए 62, OBC के लिए 53 और SC के लिए 52 और ST के लिए 57 है, ठीक है। तो ये रहा लास्ट ईयर मतलब 2019 का कट ऑफ। बात करते हैं गाइस इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, तो अभी गाइस आप लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ रहता है बीकॉम के अंदर, तो इसमें आप मान सकते हो कि UR, EWS, OBC और ST कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो 65 प्लस रहेगा, ठीक है, और SC कैटेगरी के लिए कट ऑफ रहेगा 60 तक, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस BCA का मेरिट लिस्ट, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें भी नंबर ऑफ सीट 38 है और सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी वाइज आप लोग देख पा रहे होंगे गाइस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इसमें बात करते हैं गाइस टफ के ऊपर, तो देख पा रहे होंगे UR के लिए है 55, EWS के लिए है 40, OBC के लिए है 49 और SC के लिए है 44, इसके अलावा गाइस ST के लिए है 49। आप लोग देख पा रहे होंगे एक ही मेरिट लिस्ट इसका अवेलेबल था गाइस। तो बात करते हैं गाइस इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, तो गाइस इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ UR, EWS, OBC और ST कैटेगरी के लिए रह सकता है 55 प्लस और इसी प्रकार से SC का रह सकता है 50 प्लस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस बीवॉक का मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इसमें यूआर का कट ऑफ था 36, ईडब्ल्यूएस में कोई भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया था, ओबीसी के लिए इसका कट ऑफ था 34, एससी के लिए कट ऑफ था 27 और एसटी का कट ऑफ था 33, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं गाइस
WeWork सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मेरिट लिस्ट, इसमें भी नंबर ऑफ सीटें 38 है और कैटेगरी वाइज आप लोग सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, ठीक है। इसमें भी यूआर के लिए कट ऑफ था गाइस 48, ईडब्ल्यूएस में एक भी स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया था, ओबीसी में 37, एससी में 31 और एसटी में 43 कट ऑफ था 2019 में, ठीक है। तो ये था गाइस WeWork का मीडिया और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कट ऑफ, ठीक है। इसमें गाइस जो कट ऑफ रहता है वो काफ़ी लो रहता है, ठीक है, बाकी कोर्सेज के मुकाबले WeWork में थोड़ा कम ही कट ऑफ रहता है। तो इसको आप मान सकते हो कि अगर आपका 45-50 प्लस मार्क्स हैं तो आपका WeWork में हो जाएगा किसी भी कोर्स में, ठीक है। जैसे कि WeWork के 4 कोर्सेज हैं, किसी भी कोर्स में हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप मैंने ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ और मेरिट लिस्ट आप लोगों को दिखा दिया है और आप लोगों के जो कट ऑफ से रिलेटेड डाउट है वो भी क्लियर हो गए होंगे। गाइस अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में इस